वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है आकाश शर्मा। आई होप गाइस यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, जिसका नाम है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉकर्स। बैक स्टोरी कट शॉर्ट हुआ ये जो हमारे एलविस यादव भाई हैं, उन्होंने टिकटॉकर्स के ऊपर रोस्टिंग की वीडियो बनाई। उन्होंने छोटे छोटे क्रिएटर्स को नाम लेके बड़े बड़े क्रिएटर्स को ले लिया। इनसे मिलो, ये हैं प्रोफेशनल टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी जो मसीहा बनकर आए टिकटॉकर्स के लिए। तो ये जो हमारे आमिर सिद्दीकी हैं वो आए मसीहा बन के टिकटॉकर्स के लिए। हालांकि एलविस भाई ने इनका नाम भी नहीं लिया था उस रोस्टिंग वाले टिकटॉक वीडियो में, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पूरे यूट्यूबर्स के ऊपर रोस्टिंग वीडियो बना डाली। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या कहा यूट्यूबर्स के बारे में। कुछ और टिकटॉकर्स को भी देख लीजिए जरा उन्हें देखने से पहले। बात रही यूट्यूबर्स की, तो तुम लोग यूट्यूबर्स में तो कतई नहीं आते हो यार, ठीक है, थूक भी नहीं निकल रहे, समझ रहे हो? कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? पूछा मैंने कुछ? Everybody, that's your boy Amir Siddiqui, live all the way from Mumbai. तो कैसे हैं आप लोग? हर ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इनटू 100 हो गया, क्रिंज इनटू 100। बात से अग्री करता हूँ कि सब लोगों ने टिकटॉक पर क्रिंज नहीं फैला रखा, लेकिन हाँ कुछ है 95% लोग लेकिन मेरे को अच्छे से पता है और आप लोगों को भी अच्छे से पता है, हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ बिगड़ सकता है, लेकिन यार एक दूसरे को हमने तो बस इतना ही सिखाया कि एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, प्यार करते चलो, मेरे को किसी से नफरत नहीं, हेट नहीं। आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। किस लाइन में आ गए? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। कम्युनिटी है ना, अगर कोई एक ट्रेंड आता है ना, हम लोग अगर कॉपी भी करते हैं ना, तो हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, हम लोग आई भी दे देते और सपोर्ट करते एक दूसरे को। बाकी सब बात है तो मैं इनकी मान लेता, भेड़ चाल वाली बात कर कौन रहा है। उसके बाद तो बस बड़ी गर्मी हो पापा। हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है क्योंकि हम अपने इंस्टाग्राम पर ये बकचोदी करते हैं। फैशन शो #fashionweek #cool #wehearted #gentleman #skirt। मेरा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे ना, तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाएंगे, पैसे दिखाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े दिखाएंगे। ये एक्चुअल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जॉब ये नहीं होता है। प्रीटी नहीं है, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। अब दूसरों से पहले खुद की तो इज्जत करो। सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। बट यार पर्सनली अगेन मेरे को कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ भी पीछे और व्यूज के पीछे तुम भागते हो, हम लोग नहीं भागते हैं एक ही चीज के पीछे, दैट इज कंटेंट और प्यार सपोर्ट। देखो तो सही, एक चीज बोल के चार चीज तो बना दी इसने। भागते हैं एक ही चीज के पीछे, कंटेंट और प्यार सपोर्ट, मतलब कुछ भी इज अ कॉमन सेंस जो मैं बताने को एक्सप्लेन कर रहा था। अद्भुत अद्भुत की वीडियोस नहीं दिख रही रहेगी इन लोग को, हम लोग की वीडियो ज्यादा ही दिख रही है, इसी के लिए तो आप लोग रोस्ट कर रहे हो ना हम लोग, क्योंकि हम लोग ज्यादा दिख रहे हैं। शर्म करो, कुछ अच्छा करो लाइफ में, ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो। तो गाइस यहां तक जब वीडियो देख ही लिए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।